तो नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलार रोड सुपर कंप्यूटिंग के बारे में इसका जो पूरा प्लान डिटेल है वो आपको बताने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोलार रोड से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट है सबसे पहले इसी चैनल पे मिलने वाला है। और सोलार रोड एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी हम जो है इस वीडियो में जो है इसका पूरा प्लान देखने वाले हैं, ठीक है, और समझेंगे कि इस प्लान से हम कितना अर्निंग कर सकते हैं या क्या प्लान है। बात करूँ मैं सोलार रोड के इकोसिस्टम के बारे में, तो ये आपको प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग पावर सिस्टम, ठीक है, और साथ ही साथ में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको एक कॉइन के रूप में आपको उसका रिटर्न मिलता है। मतलब कि अगर आप $100 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी आपको रिटर्न मिल रहा है एक कॉइन में, उसको आप स्वैप करके इसको विड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। टोटल सिस्टम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है। अगर आपने फिनटेच को मिस किया है या आप उसमें ज्वाइन है तो आपने एक अच्छा डिसीजन बना करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, एक अच्छा प्रॉफिट अभी बना रहे हैं, तो इस सिस्टम में भी आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा लॉन्ग टाइम में इस प्रोजेक्ट से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, ठीक है। बाकी इवेंट्स भी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी चल रही हैं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एक कॉइन के रूप में आपको मिलता है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से एक और बड़ा पैसा कमाना है तो आप इसको जो है स्टैकिंग माइनिंग पर लगा सकते हैं, जिससे कि आपको SOD टोकन मिलेगा और उस SOD टोकन के ऊपर भी आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये तो रहा इसका बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको रिटर्न क्या मिलेगा, अगर उसको माइनिंग पर डालते हैं तो हमको क्या मिलेगा। अब बेसिक हम ये जानते हैं कि जो इनका SOD टोकन है उसकी सप्लाई कितनी है, ठीक है। तो SOD टोकन की सप्लाई देखा जाए तो यहाँ पे जो टोटल सप्लाई है 2 मिलियन टोकन का है, और यहाँ पे टोटल जो है SOD टोकन का एलोकेशन देखेंगे तो टेक्निकल टीम के पास 5% है, फाउंडेशन के पास 5% है, और कम्युनिटी इकोसिस्टम के पास 10% है, और 80% जो है पूल कॉन्ट्रैक्ट्स के पास है। अगर मैं बात करूँ कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म किस पे काम करता है तो यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ भी है बायबैक एंड बर्निंग SOD टोकन सप्लाई पे काम करता है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। और उसी के बारे में हम आगे चीज़ों को देखें तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ब्लॉकचेन ये वो बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। मैं ये बात करूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो उसमें आपको क्या करना है, USDT का BEP20 का आपको USDT डिपॉजिट करना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में, और ट्रस्ट वॉलेट में जा करके आप जो है रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको कॉपी करके आपको पेस्ट करना है उसके डेब ब्राउजर में, और जा करके आप डिपॉजिट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लीज पे डाल सकते हैं, जो भी रिटर्न है आपको डेली बेसिस पे आपको मिलता रहेगा। अगर इंडिया टाइम की बात करें तो डेली रात के 10:30 बजे आपको जो है मिलता है, ठीक है, जो भी आप लीज पे अर्निंग करते हैं। अब बेसिकली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अर्निंग क्या है, तो यहाँ पे टोटल जो है 5 प्रकार के इनकम है, 4 से 5 प्रकार के, जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि आप यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जो अर्निंग है एक इन्वेस्टर के लिए या एक लीडर के लिए, मैं बात करूँ अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है कितना उसको बेनिफिट मिलने वाला है, तो अगर कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 है, मैक्सिमम की कोई वैल्यू नहीं है, आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप किसी भी अमाउंट से सिस्टम में ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे आपको 3 सिस्टम दिया गया है, 15 दिन, 30 दिन और 60 दिन, ठीक है। 15 दिन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 0.8% मिलेगा, और 30 दिन के लिए ज्वाइन करते हो तो 1% मिलेगा, और 60 दिन के लिए ज्वाइन करते हो तो 1.2% डेली आपको इसका मिलेगा, जो कि आप डेली मिलेगा और इसको आप डेली विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ये टेन्योर कंप्लीट होता है और आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल और जो भी प्रॉफिट आप बाहर निकाल लें, तो उस पर 3% का आपको फीस भी लगेगी, ठीक है। दूसरे सिस्टम के बारे में बात करें जो कि एक डिविडेंड इनकम है, और ये दूसरा जो इनकम है आपको इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे 8-8% का रिटर्न और मिलने वाला है। ये ROI के ऊपर मिलेगा, मान लीजिए आपकी टीम में डायरेक्ट में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया जो भी अमाउंट किया है, उसके ऊपर भी आपको उसके डायरेक्ट से 8% और इनडायरेक्ट से 8% आपको मिलने वाला है, यानी जो ROI 0.8% मिल रहा है, तो उसमें आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 16% आपको और बेनिफिट इस सिस्टम से मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम बनता है, ये डिविडेंड के रूप में आपको मिलेगा। और उसके बाद बात करें अपलाइन से अर्निंग, ये एक बहुत ही बेस्ट है कि अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने भी देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि अपलाइन से हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आप मान लीजिए आपकी ID ये है और आपका 2 लेवल ऊपर और ID है, ठीक है ना, आपके अपलाइन और सुपर अपलाइन है, तो इनसे जो है आप इनको जो भी आपके थ्रू बेनिफिट मिल रहा है
आपके थ्रू इनको जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसका उसमें से 8% आपको रिटर्न मिलने वाला, बाई बैक आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब कि अगर मेरा अपलाइन अगर मेरे से 10 रुपये कमा रहा है तो उसमें से जो है 10 रुपये में से 8% मेरे को मिलेगा और उनके सुपर अपलाइन से भी मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है। ये एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि टोटल डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहा है, तो आपको पता है ऑन द स्पॉट मेरे को मिलने वाला है सारा चीज़ें, ठीक है। जो चौथे टाइप का इनकम है जो कि एक कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इन्फिनिटी बोनस की, मतलब अनलिमिटेड लेवल तक आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। एक हिसाब से लीडर के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर है 1-2% को ज्वाइन करता है तो जो मैं आपको ऊपर बताया कि 8-8% का बेनिफिट मिलने वाला है वो उसको मिलेगा। बट अगर कोई एक यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं आप सभी लोगों को बता देने वाला हूँ। ये एक हिसाब से रैंक इनकम भी बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट में 500 से इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5000 का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपका जो है 10% का बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड लेवल से अगर 1000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 30000 का बिजनेस किया है तो 20%, ये जो भी इनकम मिलेगा डिफरेंशियल मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप S7 पे पहुंच गए, टोटल आपका सेल्फ का इन्वेस्टमेंट $20,000 हो जाएगा और टोटल 1,35,00,000 का आप बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आपको 70% का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब कि अगर जैसे जैसे आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे उस हिसाब से इस क्राइटेरिया में आप घुसते जाएंगे और उतना ही बड़ा आपका रेवेन्यू होता रहेगा। तो ये सारा इनकम जो है डिफरेंशियल मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी बिजनेस वॉल्यूम आपके सामने है, क्राइटेरिया आपके सामने है। तो अगर आप चौथे लेवल या तीसरे लेवल से ऊपर पहुँचते हैं, मतलब अगर आप काम करते हैं सिस्टम में अच्छा काम करते हैं, तो $500 से $1,000 आपका जो है मिनिमम इनकम हो जाने वाला है, क्योंकि अपलाइन से भी आ रहा है, डाउनलाइन से भी आ रहा है और जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे इनकम मिल रहा है। ये हो गया चौथे टाइप का इनकम जो कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन इनकम है, ठीक है। उस पांचवे टाइप का इनकम है यूनी लेवल का, जो कि 20% तक का रिवॉर्ड आप सभी लोगों को मिलने वाला है। इसका कंडीशन ये है कि अगर आप सिस्टम में कनेक्ट हो गए हैं, S1 नोड पे हैं, तो S1 नोड से आपको 2-2% S1, S2, S3 जो भी S10 तक है, तो 2-2% के हिसाब से आपको ये एडिशनल बेनिफिट इस सिस्टम से मिलने वाला है ईच मेंबर, ठीक है। जो कि आप समझ लीजिए 1-1% की वैल्यू होती है तो यहाँ पे 2% मिल रहा है, तो जो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अगर आप तीसरा नोड मतलब S3 S4 को क्रॉस करते हैं तो वहीं से आपका बहुत बड़ा इनकम स्टार्ट हो जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इसको ग्रैब करिए। और छठा इनकम देखेंगे तो इनमें इन्होंने लिख रखा है कि रिवॉर्ड इंसेंटिव पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो भी आप इनकम करते हैं सिस्टम में तो आपको एक कॉइन के रूप में मिलता है, उसको स्वैप करके आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको एडिशनल इनकम चाहिए तो आप जो है यहाँ पे इनके जो भी आपको अर्निंग हो रही है उसको जो है आप लगा सकते हैं माइनिंग पे, जहां से 1.5% का एडिशनल आप सभी लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर आप ट्राई करिए कि पहले उसको फ्री कर ले, कैपिटल फ्री होने के बाद आप जो है इसमें माइनिंग या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो था इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, और आने वाले समय में और भी क्लियर आपको इस प्लान से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। ओवरव्यू जो है मैंने आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि सोलर रोड से रिलेटेड जो भी अपडेट है सबसे पहले आपको इस चैनल में मिल जाएगा। और लिंक जो है ज्वाइन करिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रस्ट वॉलेट में आपको जो है कितना अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 है, तो आप उसमें डिपॉजिट करने के बाद जो है रेफरल लिंक के थ्रू डैब ब्राउजर में जाकर के आप वहाँ पे लीज पे डाल सकते हैं उसको। और जो भी टेन्योर है टेन्योर के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, उसके बाद आप चाहें तो कंपाउंड कर सकते हैं और चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।